हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना की अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिन महिलाओं का सिलेक्शन इसमें हुआ है उनका ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, या फिर ट्रेनिंग प्रोसेस अभी कुछ लोगों का बाकी है तो उनका ऑलरेडी ऑनगोइंग है। आपकी ट्रेनिंग ऑलरेडी आरसीटी में, आपके जो जिले का आरसीटी ऑफिस है वहाँ पर हो चुकी है। और नेक्स्ट स्टेज जो आपकी है वो है पुलिस वेरिफिकेशन। आज मैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी ऑलरेडी हमारे ज़िले के अंदर बहुत सारे पुलिस वेरिफिकेशन हो चुके हैं। किस तरीके से हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट से मैंने बात की है, उन्होंने जो मुझे बताया है उसके बेसिस पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा जिस तरीके से बाकी गवर्नमेंट जॉब की वेरिफिकेशन होती है वैसे ही इसकी भी हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसमें अफवाह फैलाने की कोशिश की थी कि पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी, बाई SMS होगी, बाई कॉल होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन जिस तरीके से होती है वैसे ही हो रही है। आपको पुलिस के अधिकारी आपके जो लोकल थाना होगा, लोकल थाने से आपके घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद आपसे जो डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत होगी वो लेंगे, और आपके लोकल जो लोग हैं उनसे आपके बारे में ये सूचना ले लेंगे कि इनका कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर, सब चीज़ें आपका जान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मैं बात करूं तो पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये सब है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे वो है एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल भी है, ओरिजिनल की आप फोटोकॉपी करा के रेडी रखिएगा, क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपसे बातचीत करने के लिए, तो वो जल्दी ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। नंबर टू, आपका पासपोर्ट साइज। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की। तो एक पासपोर्ट साइज़ या दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको रेडी रखना है अपने पास, ठीक है। जो आपने अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया अगर वो फ़ोटो मिल जाता है तो बहुत ही बेस्ट है, अदरवाइज़ कोई और फ़ोटो भी आप साथ में रख सकते हैं। थर्ड आपको होगा वेरिफिकेशन बाई ग्राम प्रधान, या फिर अगर आपके जो नेबरहुड में 5 लोग हैं वो 5 लोगों से आप लिखवा सकते हैं। एक पेपर पे आपको क्या करना है, A4 साइज़ पेपर में ये लिखवाना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ। अगर आप ग्राम प्रधान से लिखवा रहे हैं तो इस तरीके से लिखवा लीजिए कि प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, सपोज़ मान लेते हैं ए, ठीक है, सपोज़ ए की वेरिफिकेशन हो रही है। सपोज प्रमाणित किया जाता है कि ए ग्राम जो भी आपका गांव है उसका की निवासी है, तथा मैं इनके परिवार और इनसे परिचित हूँ, और इनके व्यवहार की पुष्टि कर बोल सकते हैं कि अच्छे व्यवहार की पुष्टि करता हूँ, ठीक है। और आगे आपको लिखना होगा उसमें, तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट तैयार करा लेना है A4 साइज़ पेपर में, और उसके बाद ग्राम प्रधान की आपको मोहर लगवानी है और ग्राम प्रधान के सिग्नेचर कराने हैं। या फिर यही सेम काम आप किसी भी 5 लोगों से, जो भी आपके ग्राम नियर बाई के नेबरहुड के 5 लोग हैं उनसे भी ये काम सेम करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, दो या एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और वेरिफिकेशन ग्राम प्रधान या फिर 5 पड़ोस के लोगों से कराना है। और इनको आपको जो भी अधिकारी आपके पास आएंगे उन अधिकारी को आपसे ये वेरिफिकेशन करा के वो चले जाएंगे, ठीक है। इतना ही काम है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है वेरिफिकेशन के अंदर। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बता रहे होंगे आपको, अभी आप वीडियो सर्च करेंगे बहुत सारी अजीब अजीब वीडियो मिलेंगी, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रोसेस है जो कि हो रहा है अभी, ठीक है। और विद इन 1 से मतलब 10 दिन या 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सभी की वेरिफिकेशन कंप्लीट होनी है। तो इसके लिए सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। बाकी और कोई आपको डाउट आता है UPBC सखी से रिलेटेड तो वो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई और आपको डाउट है अगर पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाल जो आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको सारी वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।